हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 8 पैरामीटर एरिया एंड वॉल्यूम। टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एरिया फाइंड आउट करना बताया था फॉर्मूलेज के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने अ स्क्वायर पार्क। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्क्वायर पार्क की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर शेप बना लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर शेप, ठीक है, देन स्क्वायर शेप है। अब इसमें क्या करना है, स्क्वायर पार्ट दे रखा है, उसमें एक साइड दे रखी है 75.3 मीटर, ठीक है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर, देन 75.3, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। कैलकुलेट कर टोटल एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट सेंटीमीटर में पूरा चेंज करेंगे। तो जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 मीटर इक्वल्स टू 700 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 700 प्लस 50, ये कन्वर्ट करना आपने क्लास फोर्थ में पढ़ा है, तो 750 हो जाएगा, ठीक है, 750 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई 750 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Equal to length into width. Width, ठीक है। तो 750 multiply by 60. So multiply करने पर आएगा 45,000. अब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। थैंक यू।